नगर निगम से तो भेजा है मुझे। अच्छा तुम्हें भेजा है? हाँ हाँ, वैसे वहीं से तो आया हूँ। हाँ तो नगर आयुक्त साहब। सर सर मैं, मेरे पास मतलब फोन आया पीतल नगरी से। अच्छा, जो कि मैंने फॉर्म भी भरे थे देख। अच्छा तुमने भरे थे? हाँ, तो महोदय कुछ बंदों ने फोन करा था महोदय, बोल भाई सर ऐसे ऐसे फॉर्म पड़े हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। अच्छा, उसमें आपका नंबर लिखो तो आपको फोन कर दिया। अच्छा, आप अपना फॉर्म ले जाओ उठा के। मौका फिर मैंने जाके देखा और काफी फॉर्म फैल हुए थे। काफी लोग हो, एक कट्टा पूरा भर हुआ था। अच्छा, तो वो उठा के हमने अपना फॉर्म तो मैं लिया है मुझे उठा के। बाकी जो फॉर्म थे वो पीतल नगरी पुलिस चौकी है। मौके मोहल्ले क्षेत्र के लोगों ने वो जमा करा दिए सारे फॉर्म, मतलब पूरा कट्टा। हाँ पूरा कट्टा, जो बिखे बड़े फॉर्म वो भी सब। दरोगा जी थे उस टाइम पे? दरोगा जी मौके लोग गए थे साथ में, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे दरोगा जी थे नहीं है। अच्छा, हाँ ये कांस्टेबल थे उन्हें दिया थे, बोले कट्टा है ये भैया, जिनने कॉन्टेक्ट काफी लोगों ने क्षेत्र वालों को कॉन्टेक्ट करा था, उन लोगों से बताया यहाँ से फॉर्म भरेंगे आपके यहाँ पर। अच्छा, भी निकाल सकता उसमें? नहीं नहीं, वो तो ऑनलाइन तो है, लेकिन इसके फॉर्म भी तो सबमिट भी तो हुए होंगे लोगों ने, जब ऑनलाइन करे होंगे तो फॉर्म तो आपके पास भी जमा करे होंगे। नहीं, ऑनलाइन मेरा मतलब यह है कि इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म होता है अब तो ऑफलाइन जमा होते हैं ना जो। तो अच्छा, जो वो तो ये पुराने पड़े हुए हैं, पता नहीं किसके पास में है, कौन इसमें आदमी। हमने तो वैसे भी काम उसको दे रखा ना, कंसल्टेंट एजेंसी को दे रखा है, वो समझ में नहीं आ रहा किस तरीके के फॉर्म है वो। नहीं तो आप चौकी पीतल नगरी चौकी पे आप देख लीजिएगा सर, काफी फॉर्म है, कभी दो कट्टे के आसपास है और कई लोगों के यहीं के। मतलब कैसे कहीं भाई बाहर ऐसे फिके हुए मिलेगा? हाँ हाँ, वो ही तो। अरे वो चौकी के बगल में कूड़े में पड़े थे बहुत सारे फॉर्म, वो कह रहा है ये मेरा, वो कह रहा है ये मेरा, मैंने जमा करा था। पता नहीं किसको जमा, हमारे यहाँ जमा करा। हाँ वो आपके यहाँ डूडा ऑफिस में बता रहे थे कि वो जो आपने यहाँ, हम क्यों देंगे, हमारा तो दफ्तर बंद है। काशी राम में जो ऑफिस नया वाला बना है वो कह रहे हैं हमने वहाँ जमा करा है, काशी राम में। हाँ, हाँ तो वो कंसल्टेंट एजेंसी का दफ्तर है ना। हाँ तो वो उन लोगों ने फिर तो उनकी लापरवाही है, आप इन पर कार्रवाई करनी चाहिए आपको, अगर इस तरीके का लोगों के साथ ये तो धोखाधड़ी, क्योंकि विभाग तो आपका बदनाम हो रहा है इसमें। वो मैं भाई साहब देख के ही तो कुछ बता पाऊंगा। नहीं, कुछ भी क्योंकि फार्म वगैरह जो भी होता है वो हमारे पास जो भी ऑफलाइन फार्म आए थे हमने कंसल्टेंट एजेंसी को दे दिए थे। अच्छा। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी बनी हुई, हम तो मतलब उसको पहले सॉफ्ट कॉपी में कर लेते हैं ना, नहीं नहीं कंप्यूटर में अपने, वो तो ऑफलाइन नहीं। अगर उसमें कोई ये है कि भाई अगर हमारे दफ्तर की लापरवाही होगी तो मतलब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दफ्तर से किसी ने बाहर फेंक दिया है, पहले हम अपना दफ्तर चेक करेंगे कि हमारे फॉर्म है। हाँ, जो डाटा